वेलकम इन पीसीडब्ल्यू प्रगत कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रगत कंप्यूटर वर्ल्ड में आज आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का श्रेणीकरण, कंप्यूटर का श्रेणीकरण अथवा हम वर्गीकरण भी कह सकते हैं। अभिप्राय श्रेणीकरण या वर्गीकरण से यह है कि कंप्यूटर हमारे अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए। उन श्रेणियों में पहला हमारा पर्पस, पर्पस का एक आधार बनाया गया कि उद्देश्य को ध्यान रखते हुए कंप्यूटर का बंटवारा किया गया। कंप्यूटर हमारे अलग अलग प्रकार के बने और उद्देश्य पहला जो था हमारा कैलकुलेशन का, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल कंप्यूटर अर्थात डिजिट पर कार्य करने वाला। दूसरा एनालॉग कंप्यूटर अर्थात मेजरमेंट के लिए, मापक के लिए हमारे दूसरे कंप्यूटर को निर्मित किया गया। तीसरा हमारा आया हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद दोनों का मिला जुला रूप हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। बात डिजिटल कंप्यूटर की करें तो डिजिटल कंप्यूटर जिसमें कि 0-1 पर आधारित सभी प्रोसेसिंग होती है, 0-1 जिसे हम बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर में 0-1 बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत कार्य करने वाला हमारा डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वो सभी 0-1 पर होते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। हमारे कैलकुलेशन के कार्य हेतु या कैलकुलेशन के उद्देश्य से डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया गया। डिजिटल कंप्यूटर हमारे निजी तौर पर घर पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना या वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए या कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए मददगार साबित होता है। दूसरा आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें कितना कितनी यानी कि मापक की कंडीशन, जैसे कि मौसम की जानकारी या किसी भी दूरी को मापना, इन सारे कार्यों के लिए एनालॉग कंप्यूटर का निर्माण किया। तीसरा हमारा आता है हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें कि 0-1 और हाउ मच दोनों का मिला जुला रूप होता है। यहाँ हम बेस्ड ऑन पर्पस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि मिला हमें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट आया आकार का। अब हमारे कंप्यूटर जो कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि कंप्यूटर एक एक रूम के बराबर हुआ करते थे, काफी बड़े होते थे, उन आकारों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ साइज की बात करें तो सबसे छोटे कंप्यूटर जो हमारे आए प्रयोग में वो कहलाए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर्स में व्यक्तियों की संख्या एक होती है, एक समय में एक ही व्यक्ति इस कंप्यूटर पर काफी कर सकता है। यह कंप्यूटर हमारे घर पर, स्कूल, व्यापार इन सभी में प्रयोग करने को दिखता है। हम इस कंप्यूटर के सीपीयू की बात करें तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट इस कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद हम बात करते हैं दूसरे कंप्यूटर की, जिसे मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। मिनी कंप्यूटर अर्थात माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा और ताकतवर कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर हमारे सर्वर के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इन कंप्यूटर्स में व्यक्तियों की संख्या एक ही समय में एक साथ तकरीबन 50 या 50 से अधिक हो सकती है। अगले कंप्यूटर जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो मिनी दोनों से बड़ा होता है और ताकतवर होता है। इस कंप्यूटर की क्षमता 100 व्यक्तियों के एक साथ कार्य करने पर भी ताकतवर होने की वजह से यह कंप्यूटर तब भी कार्य करता है।
नेक्स्ट अगला कंप्यूटर जो कि हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, आखिरी कंप्यूटर सुपर यानी सबसे ताकतवर। सुपर कंप्यूटर में व्यक्तियों की संख्या का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इंटरनेट का प्रयोग दुनिया में तकरीबन सभी लोग कर रहे हैं और ऐसे में इंटरनेट का संचालन जो होता है वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही। सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर की क्षमता 1 सेकंड में लाखों की गणना करने की होती है। इस कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है क्योंकि सुपर कंप्यूटर में कई सीपीयू लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया में दो नाम आए, परम 10,000 और अनपौर। इस तरह हम दो आधार पर कंप्यूटर का बंटवारा किए, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अगले क्रम में माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत तीन प्रकार से कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं और हम प्रयोग करते हैं। ज्यादातर लोगों के घर पर या व्यापार में, स्कूल्स में देखने को टेबल पर रखा हुआ एक कंप्यूटर मिलता है जो कि आपस में वायर के माध्यम से कनेक्ट होता है, केबल के माध्यम से कनेक्ट होता है। इन सभी पार्ट्स को जोड़कर कीबोर्ड, मॉनिटर, एक सिस्टम यूनिट और एक माउस, ये सभी जुड़कर आपस में माइक्रो कंप्यूटर का प्रारूप तैयार करते हैं। ये कंप्यूटर हमारा माइक्रो के अंतर्गत आता है और इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। दूसरा कंप्यूटर जिसे हम लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप अर्थात गोद में रख के चलाए जाने वाला, यानी गोद के ऊपर रख सकते हैं और इसे आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। थर्ड हमारा पॉम टॉप कंप्यूटर जो कि हथेली पर रखकर चलाया जाने वाला कंप्यूटर होता है। उदाहरण के लिए आप टैबलेट को देख सकते हैं। ये कंप्यूटर्स हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। क्लास में इसी तरह जुड़े रहे। आप सभी को और भी आगे की जानकारियां क्रमशः मिलती जाएगी। धन्यवाद।